दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलव्ड। बिलव्ड को लिखा था दोस्तों टोनी मॉरिसन ने। टोनी मॉरिसन एक अमेरिकन ऑथर हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिलव्ड इनका बहुत ही ज़रूरी वर्क है। टोनी मॉरिसन को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और ये जो वर्क है बिलव्ड इनका बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही ज़रूरी वर्क है, नेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्ली 1980s में इसको लिखा गया था एल्बनी में और 1987 में इसको पब्लिश करवाया गया था। दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अमेरिकन जो सिविल वॉर हुआ था उससे जुड़ी हुई कहानी है और इसकी सेटिंग रखी गई है ओहियो में। दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ऑमनिसियंट और अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में। 1861 से लेकर के 1865 का पीरियड, ये दोस्तों अमेरिकन सिविल वॉर जो है ये हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और इस कहानी का भी बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि ये कहानी भी अमेरिकन सिविल वॉर से जुड़ी हुई है। दोस्तों अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था 1861 से लेकर के 1865 के बीच यूएस के नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के बीच में हुआ था। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस सिविल वॉर के होने से पहले अमेरिका में स्लेवरी थी, यानी कि काले लोगों को जो गुलाम बना के रखा जाता था, उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, वो प्रथा थी। और इसी प्रथा को हटाने के लिए ये यूएस के नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच में सिविल वॉर हुआ। इसी को कहा जाता है अमेरिकन सिविल वॉर। इसमें दोस्तों नॉर्थ के स्टेट्स तो ये चाहते थे कि स्लेवरी हट जाए, ये दास प्रथा हट जाए, लेकिन साउथ के स्टेट्स ये चाहते थे कि ये बनी रहे। लेकिन सिविल वॉर के बाद आखिरकार नॉर्थ के स्टेट्स जीत गए और स्लेवरी अमेरिका से ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन, यानी कि सिविल वॉर ख़त्म होने के कुछ दिनों बाद ही अब्राहम लिंकन को भी मार दिया गया। अब्राहम लिंकन का दोस्तों अमेरिका से स्लेवरी हटाने में बहुत बड़ा हाथ था। खैर ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। दोस्तों अमेरिकन सिविल वॉर हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारी ये नोवेल जो है ये डायरेक्टली सिविल वॉर से ही जुड़ी हुई है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1873 से, यानी अमेरिकन सिविल वॉर अभी कुछ ही सालों पहले ख़त्म हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है सेथी नाम की एक लेडी से जो अपनी बेटी डेनवर के साथ में 124 हाउस में रहती है। दोस्तों 124 हाउस जो है ये एक हॉन्टेड हाउस है, मतलब कि यहाँ पर जो ब्लैक कम्युनिटी रहती है इस एरिया के अंदर, सिनसिनाटी नाम की जगह पर ये घर बना हुआ है, ये एक रूरल एरिया है, तो यहाँ पर जो ब्लैक कम्युनिटी रहती है वो ये मानती है कि ये घर एक हॉन्टेड हाउस है, यानी कि इस घर में कोई आत्मा वात्मा है। लेकिन दोस्तों सैथी और इसकी बेटी डेनवर यहाँ पर 18 सालों से रह रहे हैं, इनको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि सैथी का पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये भी एक स्लेव थी, 18 साल पहले ये एक स्वीट होम नाम की जगह पर स्लेव का काम करती थी, यानी कि एक गुलाम थी ये 18 सालों पहले। तो उस वक्त वहाँ पर एक आदमी था जिसको स्कूल टीचर बोला जाता था, वो और उसके भतीजे मिल करके सैथी को परेशान करते थे। तो ये सैथी ने अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाया, लेकिन इसका हस्बैंड वहाँ से गायब हो गया, ये अकेली वहाँ से भाग आई। दोस्तों सैथी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, इसके ऑलरेडी 3 बच्चे थे और एक चौथी इसने बेबी गर्ल को रास्ते में ही जन्म दिया। रास्ते में जब ये भागती हुई वहाँ से आ रही थी तो एक वाइट वुमेन एमी डेनवर ने इसकी डिलीवरी की, यानी कि इसको मदद की डिलीवरी करने में इसकी, और इसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। तो वो जो इसकी बेटी पैदा हुई उसका नाम इसने उस एमी डेनवर के नाम पर रख दिया डेनवर। तो अब इसका हस्बैंड तो गायब हो चुका है, तो अब ये अपने 4 बच्चों के साथ में सिनसिनाटी आ गई। अब 28 दिनों तक तो ये फ्री थी, आराम से फ्री लाइफ जी रही थी, लेकिन तभी इसके पुराने मालिक स्कूल टीचर ने इसको पकड़ लिया रास्ते में। स्कूल टीचर और उसके भतीजों ने इस सैथी को पकड़ लिया रास्ते में। तो इसने क्या किया, सैथी ने क्या किया, अपनी एक बच्ची को मार दिया। इसके पास एक आरा था, कोई हथियार था, उससे इसने अपनी एक बेटी को मार दिया और ये अपने बाकी के बच्चों को भी मारने की धमकी दे रही थी, यानी कि ये अपने बच्चों को स्लेव नहीं बनने देना चाहती थी। तो स्कूल टीचर और उसके भतीजों ने सोचा कि ये पागल हो गई है, इसने अपनी बच्ची को मार दिया, और भी बच्चों को मारने वाली है, तो ये पागल हो गई है, इसको वापस काम पे ले जाना ठीक नहीं है।
इसके बाद ये हाउस 124 में अपने बच्चों के साथ, तीन बच्चों के साथ आकर के रहने लगी। इनके साथ इसकी मदर इन लॉ भी रह रही थी, सेथी की मदर इन लॉ। सेथी की मदर इन लॉ का नाम था बेबी सक्स। अब दोस्तों 18 सालों से जब ये यहाँ पर रह रही है हाउस 124 में, तो इसकी जो मरी हुई बेबी गर्ल जो थी उसका भूत इस घर में घूम रहा है। और दोस्तों इसी डर के चलते इस सेथी के दो बेटे थे, जिसमें से पहले का नाम था हावर्ड और दूसरे का नाम था ब्यूगलर। ये दोनों जने भाग गए, इस घर को छोड़कर के भाग गए। और इसके कुछ टाइम बाद सेथी की मदर इन लॉ बेबी सक्स की भी डेथ हो गई। अब दोस्तों इस सेथी के दोनों बेटे भाग गए, इसकी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई, तो अब सेथी के पास सिर्फ एक सहारा था, इसकी बेटी डेनवर। तो अब सेथी और इसकी बेटी डेनवर ये दोनों जनी इस घर में रहती हैं। सेथी अपना घर चलाने के लिए एक कुक का काम करती है, जबकि डेनवर दिन भर घर में अकेली रहती है। तो डेनवर अभी 18 साल की हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अभी भी इसको घर में अकेले रहने से डर लगता है। तो दोस्तों ये मैंने बताई आपको इस सेथी की पास्ट की स्टोरी। अब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। दोस्तों प्रेजेंट में साल 1873 ये दोनों जने इस घर में रह रहे हैं। सिविल वॉर अभी 5-7 साल पहले ही ख़त्म हुआ है। तो अब एक बंदा आता है इस घर में जिसका नाम है पॉल डी। दोस्तों पॉल डी इस सेथी के साथ में स्वीट होम नाम की जगह पर स्लेव था, जहाँ पे ये सेथी स्लेव थी ना, गुलाम थी, वहाँ पर ये पॉल डी भी गुलाम था। और इस पॉल डी का पास्ट भी सेथी की तरह ही बुरा है, क्योंकि सिविल वॉर अभी अभी ख़त्म हुआ है, तो इस पॉल डी को भी फ्रीडम मिल गई है। जब ये सिविल वॉर से पहले गुलाम था तो इसने बहुत अत्याचार झेला है, यानी जब ये पॉल डी गुलाम था तो इसे पिंजरे में रखा जाता था, इसे चेनों से बांध कर रखा जाता था, चेन गैंग में। दिन में तो इससे काम करवाया जाता था और रात को किसी चीज़ की तरह इसको एक बॉक्स में बंद करके रख दिया जाता था। तो दोस्तों ये पॉल डी आ करके इस घर में इन लोगों के साथ में रहने लगा, और यहाँ पर रहते रहते ये इस सेथी से इश्क जताने लगा। अब तभी एक दिन इस घर में एक लड़की का आना होता है। इस लड़की का नाम है बिलव्ड। दोस्तों सीधी बात यह है कि ये लड़की जो है बिलव्ड, ये किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रही है, इस लड़की का बस नाम है बिलव्ड। ये लड़की उसी मरी हुई बच्ची का भूत है, वापस आया है 18 सालों बाद। बड़े ही अजीब टाइप के कपड़े इसने पहन रखे हैं, लेकिन ये वापस क्यों आई है, सवाल ये है। अब दोस्तों वो तो एंड में पता चलेगा। दोस्तों ये बिलव्ड आते ही इस डेनवर की अच्छी दोस्त बन गई। अब दोस्तों ये दोनों लड़कियां, बिलव्ड और डेनवर, ये दोनों लड़कियां पॉल डी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पॉल डी सेथी के साथ में फ्लर्ट करता था, ये इसका लवर बन गया था। ये बिलव्ड तो पॉल डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, ये सेथी और पॉल डी को एक दूसरे से अलग करने की ट्राई करती थी। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये बिलव्ड ये सेथी से क्वेश्चंस पूछा करती थी इसके पास्ट के बारे में। शायद ये बिलव्ड इसके पास्ट के बारे में जानना चाहती थी, सेथी के पास्ट के बारे में जानना चाहती थी, जो पास्ट सिर्फ सेथी को पता था। अब दोस्तों एक दिन ये पॉल डी खुद ही इस घर को छोड़ करके चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि स्टैम्प पेड नाम का एक बंदा था जिसने इस पॉल डी को बताया 18 साल पहले खुद की ही बेटी को मार दिया था। तो ये चीज़ जानने के बाद में ये पॉल डी यहाँ से चला गया इस घर को छोड़कर। अब दोस्तों इस सेथी को भी धीरे धीरे अंदाज़ा हो रहा था कि ये बिलव्ड जो है ये इसकी 18 साल पहले मरी हुई बेटी का भूत है। ये बिलव्ड से माफ़ी मांगती है कि इससे गलती हो गई, लेकिन बिलव्ड इसको माफ़ नहीं करती, बल्कि बिलव्ड इन्हीं के घर में इन्हीं के साथ रहती है। और इनके घर में रहते रहते ये इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि सेथी को इसकी हर बात माननी पड़ती है, सेथी वीक होती जा रही है। बिलव्ड सेथी से बहुत सारी डिमांड्स कर रही है। अब दोस्तों धीरे धीरे ये सेथी मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही है। तो ऐसे में अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस बात के बारे में पता चला, तो ब्लैक औरतों का एक ग्रुप इस घर में आया बिलव्ड का भूत भगाने के लिए। जब सारे के सारे आकर के इस घर में इकट्ठे हो गए तो वो भूत तो भाग गया, लेकिन सेथी पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी थी, वो थोड़ी सी पागल भी हो गई थी। तभी दोस्तों ये पॉल डी इस सेथी के पास वापस आया और इसने सेथी से वादा किया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद दोस्तों ये डेनवर, पॉल डी और सेथी, इन तीनों ने अपनी एक नई लाइफ शुरू की। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।